नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का आपके चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों आज हेलो एल्केन के रासायनिक गुण का दूसरा वीडियो है ना। पहला वीडियो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। दोस्तों पहला नंबर है ईथर का बनना, है ना। ईथर कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन कभी कभी ऐसे आ जाता है कि एल्किल हैलाइड से ईथर बनाइए, ठीक है। तो दोस्तों इससे मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हिंदी क्या लिखना है कि एल्किल हैलाइड की सोडियम एल्काक्साइड के साथ अभिक्रिया करके ईथर बनाई जाती है। किसकी दोस्तों, एल्किल हैलाइड। अब एल्किल हैलाइड पहले समझना है, मैं समझाने की जो कोशिश करूंगा उसको आपको समझना है। एल्किल हैलाइड क्या कहलाएगा दोस्तों, एल्किल समूह जुड़ा रहेगा उसमें हैलोजन समूह जुड़ा रहेगा, वो एल्किल हैलाइड कहलाएगा। अब दोस्तों सोडियम, सोडियम एल्का, एल्का मतलब एल्केन रहेगा, मतलब एल्केन समूह, एल्केन से एल्किल समूह बनेगा, ठीक है दोस्तों। सोडियम एल्का ऑक्साइड आर रहेगा, ठीक है ना, ऑक्साइड ओ रहेगा दोस्तों, ठीक है, और इसके साथ सोडियम रहेगा, ये कहलाता है दोस्तों सोडियम एल्का ऑक्साइड, ठीक है, सोडियम एल्का ऑक्साइड। सिंपल है, समझ में आया। अब दोस्तों आर सेम भी हो सकता है और अलग अलग हो सकता है। तो अब समझना है आपको कि आपको क्रिया किसकी कराना है दोस्तों। यहां पर दोस्तों एल्किल ऑक्साइड मतलब सॉरी एल्किल हैलाइड और दोस्तों किसकी, सोडियम एल्को एल्का ऑक्साइड, ये हो गया दोस्तों। सिंपल है, आपको समझ में आ गया। ये आर एक्स क्या है, एल्किल हैलाइड है, और ये आर ओ यानी मैं इसको सार्ट्रिक कहता हूं कि आर एक्स से क्रिया रोना का कराना है तो ईथर बनता है ना, रोना का कराना है। अब दोस्तों सिंपल है, यदि मैं कह दूं इसमें आर है और इसमें आर, आर डैश इसमें आर, ऐसा क्यों हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, अलग अलग हो, तो दोस्तों बनेगा क्या, यहाँ पर आर ओ तो था ही और दोस्तों ये जो आर डैश है इसी के साथ क्रिया कर लिया। और दोस्तों ये जो जब दो एल्किल समूह ऑक्सीजन से जुड़े रहते हैं तो ये कहलाता है ईथर, तो ये बन गया आपका ईथर। लेकिन यहाँ पर एन ए है दोस्तों, एन ए जो बचता है वो जाकर के एक्स से क्रिया करके एन ए एक्स बना लेता है, एन ए एक्स क्या कर लेता है, बना लेता है। जैसे मैं यदि उदाहरण ले लूँ, इसको बता दूँ दोस्तों क्या, सी टू एच फाइव बी आर, ये हो गया एथिल और ब्रोमीन है दोस्तों, एथिल ब्रोमाइड, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर यदि कह दूं कि आर की जगह सी टू एच फाइव मतलब एथीन, एथीन से एथिल समूह है ना, ओ एन ए मतलब दोस्तों कह सकता हूं सोडियम एथ है ना, तो एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड, ये क्या बना दोस्तों, सोडियम एथॉक्साइड। अब इसकी क्रिया होगी, इसकी क्रिया होगी सिंपल सा, तो आप बताइए R यहाँ दोस्तों सी टू एच फाइव था और O था और इसके साथ जुड़ गया सी टू एच फाइव, तो ये बन गया दोस्तों क्या, ईथर बन गया है ना। अब यहाँ पर दो समूह हैं, तो दो समूह हैं कौन कौन से, यहाँ भी एथिल यहाँ भी एथिल, तो डाई एथिल ईथर है, इसका नाम दो है दोस्तों इसलिए डाई एथिल समूह, तो एथिल और ईथर मतलब डाई एथिल ईथर। और दोस्तों क्या बनेगा, अब यहाँ पे यह नहीं है, बी आर से क्रिया करके एन ए बी आर बना लिया, सोडियम ब्रोमाइड बनाया। तो दोस्तों ईथर का बनना सिंपल है, समझ में आया कुछ, समझ में आया तो लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ठीक है दोस्तों। इतना तो आपसे बनता है, लाइक करने में कुछ नहीं जाता, प्लीज हेल्प मी दोस्तों, इतना हेल्प करिए, प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक करिए, है ना। तो दोस्तों ये प्रक्रिया समझ में आ गया होगा, मेन है दोस्तों ये एल्किल हैलाइड और ये एल्किल जो है एल्किल हैलाइड से बना जो दोस्तों सोडियम एथॉक्साइड है ना, तो एथ के साथ दोस्तों एल्कीन जुड़ा हो तो एल्का ऑक्साइड, मेथिन जुड़ा हो तो सोडियम मेथॉक्साइड है ना, आपके साथ यहाँ प्रोपॉक्साइड, तो ऐसे नाम हो सकते हैं। तो ये चीजें आपको पहले समझना है, आर ओ यानी सोडियम, ये दोस्तों एल्कीन है तो एल्का ऑक्साइड, यहाँ पर एथीन जोड़ दिया मैंने, जब यहाँ पर एथीन जुड़ा तो मतलब सॉरी दोस्तों एल्किल जुड़ा तो ये बन गया सोडियम एल्का ऑक्साइड मतलब सोडियम एथॉक्साइड, सिंपल है, एथीन से एथॉक्साइड, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझना है, ठीक है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं दूसरे विधि में, तो पहला विधि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये रहा दोस्तों दूसरा रासायनिक गुण इस वीडियो का। अब दोस्तों क्या है कि इसके पिछले वीडियो मैंने तीन रासायनिक गुण कराया था और इस वीडियो का दूसरा रासायनिक गुण है ना। तो हेलो एल्केन के रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं अपन, बुर्टाज अभिक्रिया। ये दोस्तों क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, निम्न अभिक्रियाओं को समझाइए, उसमें दे देगा बुर्टाज अभिक्रिया, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, ठीक है दोस्तों, या बुर्टाज फिटिंग अभिक्रिया, ऐसे क्वेश्चन, फिडलक्राफ्ट अभिक्रिया, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ता है, या तो समीकरण देने के लिए बोल देगा कि निम्न अभिक्रियाओं की समीकरण दीजिए, या दोस्तों आपको बता देगा विस्तृत समझाइए।
यदि एक नंबर में आएगा तो आपको समीकरण पूछेगा, यदि दोस्तों आपके में दो नंबर का आ रहा है तो उसको आपको हिंदी भी लिखना पड़ेगा और समीकरण भी देना पड़ेगा। तो क्या लिखना दोस्तों, जब एल्किल हैलाइड को, क्योंकि हम एल्किल हैलाइड की हम रासायनिक गुण ही पढ़ रहे हैं, तो जब हम एल्किल हैलाइड की क्रिया कराएंगे तभी तो रासायनिक गुण कहलाएगा। तो जब एल्किल हैलाइड को सोडियम या कॉपर या सिल्वर चूर्ण के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कर्म करते तो पैराफिन प्राप्त होता है। पैराफिन का मतलब होता है दोस्तों एल्केन, पैराफिन का मतलब होता है एल्केन, ठीक है ना, सिंपल है। अब दोस्तों मैंने क्या कहा कि एल्किल हैलाइड को आपको क्या कराना है, क्रिया कराना है। जैसे मैंने एल्किल हैलाइड लिया, ये आरएक्स है, और किससे क्रिया कराया दोस्तों, सोडियम से, और एक और आरएक्स ले लिया, ये भी एल्किल हैलाइड है ना, ये क्रिया कराया। अब दोस्तों क्या है, ये जो एक्स है किसकी उपस्थिति में दोस्तों, तो शुष्क ईथर, यहाँ पर आप लिख लें किसकी उपस्थिति में, शुष्क, मैं यहाँ पर लिख दिया है, आप लिख लें इसके ऊपर शुष्क ईथर। अब दोस्तों क्या होता है समझिए, ये एक्स जो है, ये दोनों एक्स जो है सोडियम से क्रिया करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर दो एक्स है तो यहाँ पर बैलेंसिंग कराने के लिए दो सोडियम ले लेते हैं, ताकि आपस में करके 2NaX बना ले, क्रिया करके बना लेगा। अब दोस्तों यहाँ पर बचा कितना, आर, और यहाँ पर बचा आर, और जब आर और जो दो एल्किल मिलते हैं ना तो एल्केन बनाते हैं। जैसे मैं कोई एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ, सिंपल सा आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर ले लेता हूँ C2H5Cl ले लेता हूँ, और यहाँ पर 2Na ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर भी C2H5 ठीक है Cl ले लिया, और इसकी क्रिया कराया दोस्तों, तो सिंपल सा क्या बनेगा, बनेगा क्या दोस्तों, C2H5 और ये C2H5 बनेगा, जुड़ गया। और दोस्तों जो सोडियम है तो क्लोरीन से क्रिया करके सोडियम क्लोराइड और 2NaCl बना लिया, ठीक है ना। तो ये चीजें दोस्तों, अब यहाँ पर ही पैराफिन है, मतलब दो कार्बन चार कार्बन को क्या बोलते हैं दोस्तों, मेथ एथ प्रो ब्यूट, ब्यूट, ब्यूट से बना ब्यूटेन। अब ये क्या है दोस्तों, ब्यूटेन है, क्या है, ब्यूटेन है। चाहे तो आप सूत्र समझें, CnH2n+2 होता है एल्केन का, होता है कि नहीं, चार कार्बन रखे तो C4H10। अब देखिए C4H10 है ना, मतलब ये ब्यूटेन है, मैं प्रूव करके बता दिया आपको कि ये क्या दोस्तों, ब्यूटेन है। तो बुर्डज अभिक्रिया में क्या होता है दोस्तों, कि जब एल्किल हैलाइड को सोडियम या कॉपर या सिल्वर चूर्ण के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो पैराफिन प्राप्त होता है। पैराफिन प्राप्त होना मतलब दोस्तों एल्केन प्राप्त होना। तो इसमें भी क्या प्राप्त होता है, तो एल्केन प्राप्त होता है, सिंपल सा, ठीक है। तो एल्केन प्राप्त होता है, इसमें क्या प्राप्त होता है, एल्केन, एल्केन मतलब होता है पैराफिन। यहां पर मैंने क्रिया करा दोस्तों, यहां पर मैंने क्या क्या लिया, इसका नाम क्या है चलिए बताइए, तो इसका नाम है दोस्तों ये एथिल क्लोराइड, ये भी एथिल क्लोराइड, सोडियम से क्रिया करा दोस्तों तो ब्यूटेन बनाया। तो ये सिंपल दोस्तों समझ में आ गया। चलिए चलते हैं अगले रासायनिक गुण पर। तो अगला रासायनिक गुण है दोस्तों फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया हैलो एल्केन का एक रासायनिक गुण है। इसको समझना है दोस्तों कि यह अभिक्रिया बुर्डज अभिक्रिया के समान है, किंतु इसमें सोडियम के जगह ZN का प्रयोग करते हैं। यह अभिक्रिया किसके समान है दोस्तों, तो यह अभिक्रिया बुर्डज अभिक्रिया के समान है, किंतु दोस्तों इसमें क्या करते हैं, सोडियम के जगह अपन ZN का प्रयोग करते हैं। तो लिखना है तो लिख सकते हैं कि जब एल्किल हैलाइड को, जब एल्किल हैलाइड को दोस्तों, जैसे RX को, ठीक है ना, जिंक के साथ, जिंक के साथ आरएक्स में यहां भी कर देता हूं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है। यहां पर लिख देता हूं दोस्तों शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराता हूं, तो दोस्तों पैराफिन प्राप्त होता है, मतलब आर आर, और दोस्तों क्या बनाएगा, ZnX2 बनाएगा, ठीक है, ZnX2 बनाएगा, पैराफिन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, पैराफिन। मैंने क्या कहा, जब एल्किल हैलाइड को जिंक के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो पैराफिन प्राप्त होता है, ठीक है ना, सिंपल है। अब दोस्तों मैं इसको क्या करूं, यहां पर R की जगह C2H5 लिख दूं, X की जगह कुछ भी लिख देता हूं, I लिख देता हूं, ठीक है। तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये एथिल है और आयोडाइड हो गया, है ना। अब इसको जिंक के साथ क्रिया कराया, अब यहां पर भी C2H5 आई लिख दिया, तो बनाएगा क्या दोस्तों, C2H5 बनाएगा और C2H5 बना लेगा, और दोस्तों जो ZN है जिंक आयोडाइड बना लिया। ये सिंपल है ना, ये पैराफिन है, और इसका मैं नाम बताया अभी ब्यूटेन, तो ये ब्यूटेन है, ये शुष्क ईथर की उपस्थिति में हो रहा है। अब बात को समझना है, आप लोग थोड़ा सा संशय में नहीं हो रहे दोस्तों कि यहाँ पर दो बार एल्किल समूह ना लिख कर एक ही बार लिख दें सर तो क्या होगा, तो जब इसको आप ना लिखेंगे तो यहाँ दो का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको बिल्कुल दो बार लिखना नहीं पड़ेगा, सिंपल है, बाकी वही कहलाएगा। जैसे इसको मैं यदि ना लिखूं तो यहाँ दो का मल्टीप्लाई कर दूं तो अभिक्रिया वही कहलाएगा, सिंपल है ना, समझ में आ गया आपको। तो दोस्तों ये चीजें आपको समझना है,
कि जब भी आपको दो ना लिखना हो तो दो का मल्टीप्लाई कर दें तो सिंपल से समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो में आपने क्या क्या सीखा दोस्तों, ईथर का बनना, मतलब हेलोइल्केन से ईथर कैसे बनाया हमने, बुटाजब क्रिया में पैराफिन कैसे बना और फ्रैंकल एंड अब क्रिया में भी पैराफिन कैसे बना। तो तीन अभिक्रियाओं को आपने सीखा। अगले वीडियो में भी हम तीन रासायनिक गुण आपको सिखाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो क्योंकि दोस्तों वीडियो लंबा हो जाता है, आप 10 मिनट में काफी बोर भी हो जाते होंगे, तो ये चीजें दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। और आपसे बार बार रिक्वेस्ट है कि आप नोट्स बना लीजिए और नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि वीडियो में कब तक देखते हैं दोस्तों, एक बार देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा, उसको आप नोट्स में बना ले तो कम समय में आप उसे पढ़ाई कर सकते हैं। पेपर के समय में नोट्स काफी हेल्पफुल होता है, इसलिए आप लोग नोट्स बनाएं, ठीक है दोस्तों। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताइए कैसा लगा, ठीक है। कुछ ना कुछ नई चीजें सीखने को तो मिलती होगी दोस्तों, हर वीडियो में नई चीजें सीखने को मिलता होगा। चलिए दोस्तों फिर चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।